नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। 10 फरवरी से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलने का फैसला किया है। बड़ौदा की टीम का ऐलान कर दिया गया है। केदार देवधर को टीम का कप्तान बनाया गया है और विष्णु सोलंकी को उपकप्तानी दी गई है। 7 फरवरी को इस टीम का ऐलान हुआ। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के लिए 20 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। हार्दिक पांड्या काफी समय से भारतीय टीम से बाहर हैं। T20 वर्ल्ड कप में वे आखिरी बार इंडिया के लिए खेले थे। इसके बाद पीठ की चोट और फिटनेस के चलते उन्होंने खुद को चयन से दूर कर लिया था। T20 वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। दिसंबर 2018 से ही उन्होंने क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट में नहीं खेला है। उम्मीद की जा रही है कि वो IPL से क्रिकेट की वापसी करेंगे, जहां वे अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के कप्तान भी हैं। कुछ ही दिन पहले BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने अपने बयान में कहा था कि हार्दिक पांड्या चोटिल थे और उन्हें पूरी तरीके से फिट होने के लिए ब्रेक दिया गया था, जिसकी वजह से वे लंबे समय से भारतीय टीम की सेवा नहीं कर पाए हैं और अब वो लंबे समय तक भारतीय टीम की सेवा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं उसे रणजी ट्रॉफी में देखूंगा। मुझे उम्मीद है कि वे टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ओवर गेंदबाजी करेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने BCCI प्रेसिडेंट की भी नहीं मानी है और अपना नाम रणजी ट्रॉफी से वापस ले लिया है। 28 साल के हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट नहीं होने की वजह से बॉलिंग से दूर हैं। दिसंबर 2018 के बाद से ही हार्दिक पांड्या लाल गेंद के क्रिकेट यानी टेस्ट वे फर्स्ट क्लास में नहीं खेले हैं। वे खुद भी इस तरीके के संकेत दे चुके हैं कि चोट के चलते उनके इस फॉर्मेट में खेलने पर संशय है। 2019 में इंग्लैंड में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप से ही फिटनेस से जूझ रहे हैं। उन्होंने पीठ की सर्जरी भी कराई, लेकिन इसके बावजूद वे बॉलिंग फिटनेस हासिल नहीं कर पाए। IPL के पिछले सीजन में उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। T20 वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में भी उनको गेंदबाजी करने में दिक्कत हुई थी। इसी कारण पहले हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम से अपनी जगह गंवानी पड़ी और बाद में मुंबई इंडियंस ने भी उन्हें रिटेन नहीं किया। और अब हार्दिक पांड्या अहमदाबाद टीम की ओर से IPL में खेलते हुए नजर आएंगे। अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।